Hey Fong, welcome back to the Dance Star. So we are back again with another video and सिंगम अगेन का ऑफिशियल ट्रेलर आ गया रोहित शेट्टी कॉप यूनिवर्स। सो मजा आने वाला है। एंड इसमें यस मैं ये मुझे थोड़ी सी हैरानी सी चीज की हो रही है कि भाई ये ट्रेलर 5 मिनट का है। जनरली ट्रेलर हम देखते हैं कि मतलब नॉर्मली 2.5 मिनट्स ऐसे होता है, 2.5 मिनट हो गया, 3 मिनट हो गया, है ना, सम अराउंड 3 मिनट के आसपास का रहता है जनरली ट्रेलर। भाई 5 मिनट का है, मुझे देखना है कि भाई इतना क्या है इस ट्रेलर में। तो लेट्स बिगिन और देखते हैं ये ट्रेलर कैसा है। शूरम अतिश्रेष्ठम सिद्धम महाकाय शो कैसा था तुम्हारा? इट वॉज ग्रेट। कल हमारी रामलीला में राम जी 14 साल के वनवास के लिए निकलेंगे। आपको सीरियसली ऐसा लगता है कि राम जी सीतामा को लेने ऑल द वे लंका गए थे, 3000 किलोमीटर दूर? ऑफ कोर्स, इट्स अ फैक्ट। तुम्हारी जनरेशन को तो ट्रू लव का कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ आता। तो अगर कभी आपको किसी रावण टाइप कैरेक्टर ने किडनैप कर लिया, डैड आप जाओगे? मॉम को बचन? गूगल पे बाजीराव सिंघम टाइप कर ले, पता चल जाएगा तेरे पास चीज क्या है। जिसे नफरत करता है और जिसे प्यार करता है, बेशुमार करता है, उसके लिए कहीं भी जा सकता है। भारत की यह प्रथा रही है, सीता माँ का हरण हुआ तो लंका जली है। इतिहास खुद को दोहराने वाला है। एक वचन के लिए वो लंका जलाने वाला है। उसे कोई सड़क छाप गुंडा मत समझ सिंघम। वो आपका तूफान है। उस एरिया का इंचार्ज कौन है? शक्ति शेट्टी। तेरे दुनिया में आने की वजह एक औरत थी। ज्यादा हीरोगिरी दिखाएगा ना तो तेरे इस दुनिया से जाने की वजह भी एक औरत ही होगी। वर्दी पहनने वाला हर ऑफिसर को लगता है कि वो सिंघम है। वो तो हमारे गुरुजी हैं। मैं सिंघम नहीं, मैं लेडी सिंघम है रे। ओके, जैकी दा भी है, टाइगर श्रॉफ भी है, लेट्स गो। बहुत मानता है ये सिंघम सर को अपनी। हमेशा से उनके साथ उनका लक्ष्मण बनकर काम करना चाहता था। ऑपरेशन की बात कर रहे हो तुम सिंघम? उनके कहने पर पहले भी 2 बार घुस चुके हैं सर। बजरंग बली का नाम लेकर 3री बार भी घुस जाते हैं। तेरी रामायण का रावण हूं मैं। अगर रवनी के लिए नहीं आया ना मैं, तो सिंघम असली मराठा नहीं। अभी कुछ और भी बाकी है, गैस। दरवाजा तोड़। ये श्रीलंका का एक लौता मंदिर है जहाँ सीता माँ पूजी जाती हैं। जहाँ जहाँ हनुमान जी ने कदम रखे वहाँ उनके पैरों के निशान बनते गए, और कहा जाता है कि ये उनमें से ही एक है। कलयुग है, कलयुग इस बार रावण जीतेगा। सच्चाई की जीत युग की मोहताज नहीं होती। आखी पब्लिक को मालूम है कौन कौन आने वाला है, तेरे को नहीं मालूम? लेट्स गो। तेरे
सामने जो खड़ा है वो महात्मा गांधी का आदर जरूर करता है, लेकिन पूछता छत्रपति शिवाजी महाराज को है। जय महाराष्ट्र। जब ही देखो हेलीकॉप्टर से लटक के आते ऐसे मैं बोलता हूँ टिकट काटो, बैठ के आराम से आओ, इज्जत से आओ, लेकिन नहीं, लटक के ही आने का है। मन तो करता तेरे को यही ठोक दूँ। Nice. टाइगर श्रॉफ अलग ही चमक रहा था एंड में। ओके सो इट्स अ मल्टी-स्टारर मूवी एंड सिंघम की जो सीरीज चल रही है इट हैज बीन ऑलवेज लव्ड बाय एवरीवन, तो आई थिंक दिस इज आई डोंट नो, मेरे मेरे को मतलब इट्स अ मिक्स फीलिंग, आई डोंट नो व्हाई। एक तो मतलब मुझे थोड़े बहुत कंसर्न्स हैं ट्रेलर को देख के, जो मुझे ऐसा फील हो रहा है, पर्सनल मेरा पर्सनल ओपिनियन है ये। पहली बात तो इट्स टू मच हैपनिंग, राइट, कि आप देख लो 5 मिनट के ट्रेलर में आपको शांति नहीं मिली 1 सेकंड की भी, तो मतलब मूवी में भी नहीं मिलने वाली, राइट। ऑब्वियसली बात है ट्रेलर में तो बिट्स 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 होते हैं, तो होता ही है, बहुत चीज़ें होती हैं। बट मुझे ऐसा लगा कई कॉपी यूनिवर्स बनाने के चक्कर में मतलब टू मच ना हो जाए, कचरा ना हो जाए, साफ कहता है, मतलब मेस ना क्रिएट हो जाए, और साथ मतलब में बैलेंस्ड आउट होपफुली थ्रू आउट द मूवी रहे। ट्रू ट्रू। तो और सेकंड कंसर्न मुझे एक लगा कि मतलब इट्स अ ब्रेव मूव टू बी ऑनेस्ट कि अर्जुन कपूर को साइन कराया एज अ नेगेटिव रोल, तो मतलब ये अर्जुन कपूर के लिए हो सकता है एक रिवाइवल हो कि अगर मूवी अच्छा चलती है एंड उनका रोल लोगों को पसंद आता है, क्योंकि आजकल हमने देखा है इट्स नॉट अबाउट कौन पॉजिटिव रोल में या कौन नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है, बंदे भाई एज एन एक्टर अगर आप देखो बिना डायलॉग बोले भी अपना मतलब जो है अपनी प्रेजेंस इतनी कर लेते हैं कि उनके बाद उनका करियर जो होता है वो भाई स्काई रॉकेट हो जाता है, जैसे हम बॉबी देओल की बात कर रहे हैं बेसिकली एनिमल मूवी में, तो उनका करेक्टर जो था वो भाई बहुत ही अमेजिंग था। तो हो सकता है वी शुड नेवर जज समवन कि उनकी पास में कैसा सीन रहा है, हो सकता है यही एक हो, बट इट्स स्टिल अ डेयरिंग मूव, मतलब अगर देखा जाए तो, राइट, कि उनको लिया गया नेगेटिव रोल में। ऑल्दो स्क्रीन में मुझे मतलब ट्रेलर मुझे ठीक लगे नेगेटिव रोल में, और कुछ खास एक्सप्रेशन वैसे नहीं देने पड़ेंगे जितना एक्टर को देने पड़ते, थोड़ा सा इमोशन वगैरह हो गया, एक ही लुक मेंटेन करनी पड़ेगी। It looked fine. तो अच्छा है अर्जुन कपूर के लिए, right? And it's just and hopefully the movie is balanced out throughout. हाँ, but मुझे एक है मतलब why do they have to always मतलब connect a movie to नहीं movie to you know रामायण से connect करेंगे हमेशा, मतलब भगवान से connect करके क्यों एक emotional वो create touch नहीं चलता they भाई have to. ना नहीं चलता मेरे सबसे नहीं। If of course, if हाँ, you controversies ask me, होंगी, बातों में if you ask me, this was not necessary. But अगर मैं comment section देखूँ, comment section में अगर देखा जाए, the comments is all about the references with Ramayan. कि वो राम जी सीता जी कौन है, लक्ष्मण जी कौन है, तो you see, these are the tactics they do. वो मैं समझ गया। देखो मुझे अजय देवगन एज एन एक्टर बहुत अमेजिंग लगते हैं, अक्षय पाजी yeah, because लगते I think रणवीर सिंह, में भी टाइगर, दीपिका था, पादुकोण, कोई रेफरेंस नहीं था, but it still did so well. हाँ, but बट मुझे ये ना दिवाली यार, को लॉन्च कर रहे हैं, वी एंजॉयड सिंघम। हाँ, वो समझ रहा हूँ मैं, सारे पॉइंट लॉजिकल आपके जितने भी आप बोल रहे हो, बट मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप आदिपुरुष देखो, आदिपुरुष वॉज अ फेलियर टू बी ऑनेस्ट, एंड मुझे नहीं लगता कि ये क्या क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कई बार होता है कुछ क्रिएट करने के चक्कर में चीजें हो जाती हैं, बट आई डू बिलीव कि नेसेसरी नहीं था, नेसेसिटी नहीं थी कि भाई यस इट वाज नॉट नेसेसरी यस, बट शिटी फिल्म। हाँ, एक्शन आपको भर भर के देखने को मिलेगा, और बाजूकाज यू नो एंट्रीज मिल रही हैं, गाड़ियों से गाड़ियां पलट रही हैं। हाँ, रोहित शेट्टी की फिल्म है तो ये तो मिलेगा कि एंट्री हो रही है अक्की पाजी की, वो तो अक्की पाजी का एक वो है कि किसी की मूवी हो वो तो छह, खैर छोड़ो, जैसे हेलीकॉप्टर आया पाई वॉज लाइक अक्षय कुमार। हाँ, तो वो है कि भाई अक्की पाजी की एंट्री ऐसी होती है, बट आप बताओ मुझे, मुझे ना व्यूअर्स के ओपिनियन जानने कि उनका क्या ओपिनियन है ये ट्रेलर देख के। हाउ वॉज द ट्रेलर, आपको कैसा लगा ट्रेलर, एंड क्या आपकी एक्सपेक्टेशन है मूवी से? बाकी हमने अपना बता दिया, अगर अच्छा लगा हो तो ठीक है, नहीं लगा हो तो भाई माफी, अपना अपना ओपिनियन है सबका। Yes. And if you enjoyed Share your the trailer opinions with us, in the comment down below.
And अगर हमारे साथ देखने में मजा आया हो तो मेक श्योर यू गिव अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी एंड यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम लिंक इन डिस्क्रिप्शन एंड जस्ट रिमेंबर वन थिंग यू हैव टू ग्राइंड टू शाइन टेक केयर टेक बाय केयर, बाय बाय बाय.